तो मीरा कला मंडल में यह शिविर चालू है और कुछ नगर निगम से अधिकारी पधार रहे हैं। चलिए ले चलते अंदर आपको मीरा कला मंडल के अंदर। तो बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है, ये देखिए पूरा स्टेडियम है मिनी। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो प्रकाश वर्मा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मीरा कला मंडल कितना बड़ा है, शानदार है। पहली बार आने का मौका मिला है, वाह बे वाह, बहुत शानदार। तो देखिए बहुत ही सुंदर कला मंडल है, और जो बता रहे थे कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती थी। हाँ, पहले बहुत सारे लोग आते थे, कम से कम 15-16 लोग आते, देखते करते करते अच्छा फंक्शन होता था। बाद में ये सारे अभी क्या, अभी के बाद में भी अभी क्या काम आ रहा है? अभी जो नगर निगम काम में ले रही है, आग की गाड़ियाँ है, कोई व्यवस्था है, ऐसे काम में लेके काम चला रही है। और कार्यक्रम भी होता है, कार्यक्रम सब अभी बंद कर दिए। पहले प्रोग्राम चलते थे अच्छे अच्छे, कोई कलाकार वगैरह कभी बात हो आएगी वगैरह वगैरह सब कुछ पूरी गुरुमा मीरा कला अपने नाम से आते देखते कला रही होती है, अभी तो सारे बंद कर दिए। चलो फिर बताएंगे आपको इसके पूरे के बारे में विवरण, लेकिन बहुत ही सुंदर है मीरा कला मंडल। और CEO मैडम, नगर निगम की पूरी टीम जो है वो आ रहे हैं। मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं। मैं ले लो आज जो आज सावन पर हां तो ले लेना, बाकी ससुर वाला मैडम का भी स्वागत करेंगे। लो तो बहुत धन्यवाद। मैं क्षेत्रीय मदन पार्षद साहब कावर साहब को बाबा साहब जी का स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर मैडम से निवेदन करूंगा कि वो मैडम पधारे हैं, इस शिविर के बारे में थोड़ा वो बताएंगे आपके दोस्त सबके। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा, बाबा साहब से निवेदन अपना जितना भी जो शिविर का आयोजन करते हैं, सौरभ जी गुप्ता संयोजक है, प्रियंका जी आप सबका स्वागत। सौरभ जी तो मैं बाबर पाल साहब से निवेदन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोड का गारंटी योजना एवं ई श्रम कार्ड का शिविर चल रहा है, उसमें दो सब कहेंगे फिर मेरा अपना राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो श्रम कल्याण के माध्यम से जो गरीब तबके के लिए जो श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें हमारे बीच में बैठे हैं हमारी उपायुक्त मैडम नामोर मैडम और हमारी एक्शन साहिबा शशि बालाजी, सौरभ जी गुप्ता और दोनों हमारे साथी वर्मा जी और लव जी, उनके द्वारा जो शिविर आयोजित किया गया है बहुत सराहनीय काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस जगह लगाया है सारी कच्ची बस्ती है,
यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को इस कार्ड की जरूरत है। श्रम कार्ड के बहुत उपाय, बहुत सारे लाभ है, जैसे इसमें शायद एक पेंशन योजना भी शायद इस स्कीम के तहत लागू हुई है, और ज़्यादा तो हमारी मैडम बैठे हैं शशि बालाजी, उसके बारे में अवगत कराएंगे। मैं तो आप सभी संख्या में महिला पधारी, मेरी ओर से और नगर निगम की ओर से और सरकार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा, जिस बारे में थोड़ा मैडम हम सभी को अपने विचार रखें, जानकारी दें, आदरणीय जैसा कि मेरे सामने आप सभी बैठे हैं, आपको जानकारी है कि कैंप चल रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये पैम्फलेट जो दिए हैं, आप में से जो लोग शिक्षित हैं वो एक बार इस पैम्फलेट को जरूर पढ़िए। ये योजना है सभी उनके लिए जो 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार आपको दे रही है और आप इसका लाभ उठाइए। जो पैसा आपको मिलेगा, सरकार अभी पूरे काम नहीं होने पर भी पूरा पैसा दे रही है। तो दिन का जो वेज है, मैक्सिमम जो अधिकतम राशि है एक मजदूर को जो मिलनी चाहिए कुशल श्रमिक को, वो राशि दी जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस कैंप में पधारे हैं, आप अपने आसपास के जो अन्य लोग हैं जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है उनको सूचित करिए और एक से दूसरे व्यक्ति तक ये सूचना पहुँचे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। ये जो कैंप लगा है इस एरिया में, मेरे ख्याल से एक सही जगह लगा है। इस एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही सरकार ये स्कीम चला रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इसमें तत्परता के साथ पार्टिसिपेट करिए और जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कार्ड्स बन रहे हैं, ये कार्ड बनवाइए और अपनी इनका उसके बाद कार्ड बनवाने के बाद में अपन इनका हथवा दे रहे हैं। आपको जॉब कार्ड भी हम यहाँ हाथों हाथ देंगे। जॉब कार्ड बनने के बाद में आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर आओगे थोड़ा सा। अच्छा, मैं दो चार बता दो। ये श्रम कार्ड कुछ नया हुआ है क्या? अरे ये श्रम कार्ड हुआ है किसी का? दो चार बने हो तुम। क्या नाम है आपका? सरोज। क्या बनवाया? जॉब कार्ड। क्या करोगे? मैं काम करने जाऊँगा। काम करने जाऊँगा, ठीक है।